हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। होप करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने ब्लॉग में कि कैसे क्लीन करते हैं एक्वेरियम। 20% हमने वाटर कैसे क्लीन करना है, 80% कैसे करना है, और हम अपने एक्वेरियम में जो फिशेज हैं जो आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, तो फ्लावर वन जो थी छोटे में थी और विडो फिशेज बड़े एक्वेरियम में थी। तो अब हम उन दोनों को ट्रांसफ़र भी करेंगे और इसी वीडियो में आपको क्लीनिंग भी दिखाएंगे। चलो चलो, देखो हमने ये बाल्टी ले ली है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो बॉक्स लिया है इसमें हम फिल्टर निकालेंगे क्लीनिंग के लिए, और ये पाइप है पानी निकालने के लिए, आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और चलो चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। ये एक्वेरियम है और दूसरा है, तो आपको दोनों ही दिखाते हैं क्लीन करके। तो फ्रेंड्स देखो, हमने कवर हटा लिया है इसका, कवर हटा दिया है। ये स्पॉन्ज फिल्टर निकाल लिया है, दूसरा फिल्टर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों फिल्टर हमने निकाल लिए हैं। तो आपको इस तरीके से कोई भी कपड़ा लेना है और इसके शीशे सारे साफ सब पे मार लेना है, शीशा साफ कर लेना है इसका, ग्लास पूरा क्लीन कर लो। जो भी गंदगी चिपकी होगी ग्लास पे वो पानी में हो जाएगी। अच्छे तरीके से आप कर लो इसको चारों तरफ से, इससे गंदगी ना रहे इसके अंदर। नीचे से भी साफ करना है, नीचे भी कपड़ा मारना है, ऐसा ना हो कि चारों तरफ कर लो और नीचे ना करो। आपको दिख रहा होगा पानी में कितनी गंदगी उड़ रही है, ये सब शीशे से निकल रही है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये पानी आने लगेगा इसके अंदर, और सारी जो जितनी भी इसके नीचे गंदगी है ये सारी पानी के साथ बाहर आ जाएगी। बीस परसेंट ही क्लीन कर रहे हैं। 20% क्लीन करने के लिए बस हम एक ही बाल्टी पानी निकालेंगे इसमें से, और दूसरा मैं आपको 80% करके दिखाऊंगा कि 80% कैसे क्लीन होता है। सो फ्रेंड्स देखो इसमें कितनी गंदगी निकल आई है। अगर आप इस पाइप के थ्रू क्लीनिंग करते हैं तो इस तरीके से आपकी नीचे की या पानी में जितनी भी गंदगी है सब निकल आएगी। सो फ्रेंड्स हमने ये फिशेज निकाल ली हैं बाल्टी के अंदर। फ्रेंड्स देखो ये 80% हो गया है, इससे ज़्यादा हमको नहीं करना था। अब इसमें हम वाटर भी ऐड कर रहे हैं और इसके अंदर हम मेडिसिन भी डाल रहे हैं वाटर क्लियर वाली, जो बहुत ज़रूरी होती है। ये देखो ये डाल दी, अब इससे पानी का पीलापन भी चला जाएगा और जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाएंगे। अब इसके अंदर हम फ्लावर ऑन ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी फ्लावर ऑन है, आपको दिख रही होगी। इसको हमने उस वाले जो आपको एक्वेरियम दिखाया था उसमें ऐड करना है, बड़े वाले में, और इसके लिए हीटर भी अभी लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी रात को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो पहले इसका हीटर निकालते हैं और फिर इसको उसमें ऐड करते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये हीटर हम लगा रहे हैं इसके अंदर, फ्रेंड्स आपको इसकी लाइट दिख रही होगी, ये ऑन हो गया है। अब जैसे ही पानी मतलब इसका टेम्परेचर हो जाएगा ठीक, वैसे ही फ्लावर ऑन ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स सिदक पकड़ रहा है, सिदक फ्लावर ऑन पकड़ रहा है, देखो पकड़ लिया इसने। और ये दूसरे टैंक में छोड़ने जा रहा है जो हमने क्लीन किया था अभी। आराम से आराम से, ये कह रहा था मुझे पकड़नी है, तो देखो इसमें छोड़ दी है, चुप गई है। तो फ्रेंड्स ये अपने नए घर में आ गई है, देखो कितनी खुश है, मजे से घूम रही है। छोटे टैंक में थोड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि थोड़ी छोटी भी थी, अब
ये फिश बड़ी जल्दी ग्रो करती है, तो इसलिए हमने इसको बड़े टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स अब इसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, इसके फिल्टर वगैरह हमने निकाल लिए थे, अब इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करके आपको मिलते हैं दूसरी फिशेज ऐड करके वीडियो वाली, जो इतनी देर से बकेट में ही है, तो मिलते हैं आपको कुछ ही देर में। तो फ्रेंड्स हमने देखो इसमें 80% वाटर निकाल दिया है, सिर्फ 20% ही रह गया है। अब इसमें हम 80% न्यू वाटर डालेंगे, क्योंकि वाटर पूरा डैमेज हो चुका था। ये देखो वाटर की क्वालिटी पूरा एकदम ख़राब हो चुका था। अब हम इसमें न्यू वाटर ऐड करते हैं, फिर आपको फिशेज ऐड करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक, देख लो आप, फिल्टर क्लीन, पूरा एक्वेरियम क्लीन हो चुका है। ये हमने सिर्फ 80% क्लीन किया था, तो इसकी क्लियरिटी ये है, आप देख लो सारी फिशेज इसमें आ गई हैं। शेयर कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।